ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला राय कॉलोनी रोड में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर राधा रामावत, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना भंडारी, यातायात प्रभारी डिंपल कंवर सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। स्नेह मिलन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देने के साथ होली व अन्य त्योहारों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला राय कॉलोनी रोड में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर राधा रामावत की अध्यक्षता में आयोजित हुए स्नेह मिलन में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी की बहनें व महिलाएं उपस्थित रही। इस दौरान डॉक्टर राधा रामावत ने कहा कि होली के रंगों का पर्व है और एक रंग का अपना अपना महत्व होता है। लाल रंग सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, वहीं पर सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इन रंगों से कुछ सीखना चाहिए। मुख्य अतिथि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना भंडारी ने होली की बधाई देते हुए कहा कि उत्सव हमें अपनत्व का एहसास कराते हैं, साथ साथ प्रेम से रहने का पाठ भी पढ़ाते हैं। यातायात प्रभारी डिंपल कंवर ने कहा कि हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। कभी भी कोई नाराजगी की बात हो तो अपनों से साझा कर समाधान करना चाहिए। जीवन में ईर्ष्या न रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, यही सच्ची होली है। ब्रह्मा कुमारी की सुशीला दीदी ने बताया कि होली पर विभिन्न रंगों से चेहरा रंगा होता है। वास्तव में आत्मा के सात गुण सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता को इनको धारण करने पर ही हम सच्ची होली मना सकते हैं। कुंभाराम आर्य फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं बालिका छात्रावास की अधीक्षक तारा चौधरी ने संस्था का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करने से हमें आंतरिक ऊर्जा व खुशी मिलती है। रावणा राजपूत समाज महामंत्री अनीता चौहान ने कहा कि होली अर्थात पवित्र है, हमें अपने विचारों को शुद्ध निर्मल बनाना है। मंच का संचालन युवा कवि अभी गोयल ने किया। इस अवसर पर मनन्या युविका मन्या ने श्री कृष्ण के भजनों पर डांस की प्रस्तुति दी। स्नेहमिलन में मधु परियार, विमला, पुष्पा खत्री, निधि रामावत, मधुचारण, अनु, प्रेमलता, विजयलक्ष्मी, समाजसेवी खीम सिंह चौहान, लोक कलाकार बिहारी पवार, ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे।